सेट्स, ठीक है, ये आपका पहला चैप्टर है मेटा का। एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नाउ लिसन, इंडिकेट व्हिच वन इज अ सबसेट ऑफ ईच अदर, क्वेश्चन नंबर अगर आपके पास मौजूद है, ठीक है, आप अपनी बुक में देखिएगा पेज नंबर 3, पेज नंबर 3, एक्सरसाइज 1.1, इंडिकेट, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, व्हिच वन इज अ सबसेट ऑफ अदर। सबसेट क्या होता है, मैं पहला सवाल लिख रहा हूं, मैं आता हूं 1a = 5, 6, 7 एंड b = बताइए सी में 2 है और डी में क्या है, क्या कैसे लिखूं, सी इज अ सबसेट ऑफ डी, क्योंकि सी के एलिमेंट कम है और डी के एलिमेंट, ये करना है, ठीक है। तीसरे वाले पे आएंगे 1 से लेके 8 तक, सी एलिमेंट है मेरे पास 1 से लेके 8 तक और एस जो है वो 2, 4, 6 है। जैसे बताया जा रहा है आपने ऐसे ही करना है। अब कैसे लिखा जाएगा, कौन सा सेट छोटा है, एस वाला छोटा है और टी वाला सेट आपका, कैसे लिखूं, एस इज अ सबसेट ऑफ, यानी अब एस पहले आएगा और टी जो है वो बाद में आएगा, क्योंकि एस के एलिमेंट कम है और डी के एलिमेंट ज्यादा है, तो एस इज अ सबसेट ऑफ डी, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 वाइंड अप,
करेंगे इधर। ये देखिए प्रॉपर सबसेट्स का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट आप एक अलग से लिख सकते हैं, कोई एक का पेयर भी बना सकते हैं, कोई दो का भी बना सकते हैं, तीन, जितने एलिमेंट्स आप जाएँ वो उसके क्या कहलाएंगे, प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है, ये देखिए आपसे कहा गया है कि कोई भी इस सेट के तीन प्रॉपर सबसेट बना दीजिए। ठीक है, तीन प्रॉपर सबसेट बना दीजिए, तो क्या इस तरह से बनाएंगे सॉल्यूशन। नंबर वन किसी को भी लेना है, ठीक है, इसमें से ही लेना है ये। अच्छा खाली सेट भी बना सकते हैं प्रॉपर सबसेट का, ठीक है, एम्प्टी सेट भी उसका प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है, कितने हो गए, एक दो और कौन सा बनाओ बताइए, ठीक है, ये सारे इसके क्या कहलाएंगे, प्रॉपर सबसेट। कितने हो गए, एक दो, अब इसका बताइए मुझसे, चलो खाली बना देते हैं, फिर x और फिर आंसर। यही वाला सेट आपने इंप्रॉपर सेट में प्रॉपर्टी दिया, ये देखिए बराबर है ना, ये
सेट में दोनों अलग अलग सेट हैं, दो एलिमेंट ही मौजूद हैं। अब आपके पास इसमें कहा गया है कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 4, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 4, प्राइम नंबर होते हैं हमारे पास 2, 3। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आए, वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आए लेस देन 4, उसे कंडीशन दे दिए कि 4 से कम, जो सिर्फ यही तो आएंगे ना भाई, 5 तो 4 से बड़ा हो जाएगा, लेस देन 4 मतलब 2 और 3। वन क्यों नहीं लिया, क्योंकि 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, वो नेचुरल नंबर कहलाता है। ठीक है, अब ये देखिए, अब इसके सबसेट बनाइए, दो प्रॉपर सबसेट क्या क्या होंगे, कैसे लिखूंगा प्रॉपर सबसेट, पहले 2 और फिर 3। इम्प्रॉपर सबसेट कैसे लिखेंगे, पूरा सेट में हो बराबर हो ऐसे, ओके। अब सारे सबसेट बनाने प्रॉपर भी इम्प्रॉपर भी, अब इसका तरीका देख लीजिएगा किस तरह से करना है। सबसेट बनाने के लिए या पावर सेट बनाने के लिए पहला सेट हमेशा क्या होता है, एम्प्टी होता है, खाली। ठीक है, ये देखिए, अब एक एक करके लिखते हैं। ठीक है, सही है, अब दो दो करके लेते हैं। पहले मैंने 1 को 2 के साथ मिला देना है, ठीक है, 1, 1। अब 1 को ही किसके साथ मिलाओ, 3 के साथ। उसके बाद क्या रहेगा, 2 और 3, सही है। उसके बाद इम्प्रॉपर सबसेट जो है वो एक ही होता है, क्योंकि बिल्कुल बराबर होता है, क्या 3 और 1 लिख देंगे। ठीक है, ठीक है,
सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स नंबर टू अब एक ऐसा नंबर जो इवन भी है और प्राइम भी है कौन सा नंबर है वो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और इवन नंबर्स क्या होते हैं टू के टेबल में आते हैं अब ऐसा कौन सा नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल में भी आता है और वो भी है इवन भी है टू ठीक है टू और किसी टेबल में नहीं आता वन 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 में वन से तो सारे ही आते हैं लेकिन ये है कि इसका सेट इसका मतलब है ये बनेगा ठीक है यही बनेगा ना टू ही आएगा सिर्फ उसके बाद अब इसके सबसेट बना हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एम्प्टी सेट बनेगा और कॉमा एक टू बस ये आपका आंसर आ गया इसका ये बन गया सबसेट पहला हमेशा एम्प्टी बनता है दूसरे में जो एक ही एलिमेंट है तो वही लिख देंगे बस ओके तीसरे में कह रहे हैं सेट ऑफ ऑड प्राइम नंबर्स लेस देन 7 थर्ड पार्ट
देन और इक्वल टू 6। ये जो पीछे गलती लगी है इसका मतलब है कि 6 के बराबर भी हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है कि 6 से कम ही हो, 6 से बराबर भी हो सकता है। और इवन नंबर है, पहला इवन नंबर कौन सा है, फिर बस फिर 6। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, इस सेट में मैं 6 को शामिल करूंगा, मैंने लेस देन 6 नहीं है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो सवाल दिया है इसमें जो एक गलती लगी है, लेस देन और इक्वल टू 6 को इसलिए शामिल किया जा रहा है कि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 6 है। अगर लेस देन 6 होता तो फिर क्या जाता है, सिर्फ 2 और 4 बस, ठीक है। ये फर्क है इन दोनों साइंस में। अब क्या होगा, पहला एंट्री फिर 2 फिर 4 2.4 2.6 4.6 एंड देन तीनों को मिला के, क्योंकि एक वाइज एक प्रॉपर सबसे, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया।